तो आज एक और मॉड्यूल लेके मैं आया हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने 13 स्टेप बेस्ड बनाया है, जो हमारे टीचर्स का फील्ड वर्क चल रहा है, इम्पैक्ट का फेज़ 2, 21 डेज़ का। तो यही 13 स्टेप फील्ड वर्क इम्पैक्ट का प्रोजेक्ट वर्क जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ये जो मॉड्यूल है, ये मैंने बिल्कुल वेस्ट आइटम से ही बनाया हुआ है। मिठाई का डिब्बा था या केक का डिब्बा था, तो बिल्कुल उसी से मैंने वेस्ट चीज़ों से ये बनाया हुआ है। तो ये यहाँ पे मैंने लैंग्वेज लिया है, 8th क्लास जो हमारा है उसी से एक लेसन लिया हुआ है। स्टोरी है जिसका नाम है द अनथैंकफुल मैन। जो स्टोरी है, इंग्लिश लैंग्वेज लिया मैंने जो है 8th क्लास से। तो मैं इसमें थोड़े से मल्टी क्लासेस भी ले रहा हूँ, 7th, 6th, 5th, 4th, KG, फर्स्ट, सेकेंड, सारे ग्रेड्स के, क्योंकि मुझे इसमें कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करने हैं जो जिसके लिए मुझे बाकी बच्चे भी चाहिए। तो ये मैंने 13 स्टेप पॉइंट्स यहाँ पे डाले हुए हैं, जो मैंने पहले वीडियोस में आपके साथ शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी। मैं इनको अभी नहीं दोहराऊंगा, बिल्कुल बस आपके साथ ये पिक्चर शेयर करूँगा, वीडियो पे शेयर करूँगा। ओके, तो आप देख सकते हैं ये हमारे बिल्कुल 13 स्टेप पूरे हैं। तो इन पे मैंने काम किया है, इस लेसन पे, इस थीम पे, इस स्टोरी पे। तो मेरा जो पहला पॉइंट है, थीम सिलेक्टेड जो मैंने लिया है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, दैट इज़ अनथैंकफुल मैन। एक सब्जेक्ट इंग्लिश है। टाइम ड्यूरेशन मैंने 40 to 50, मुझे इसमें 1 घंटा से ज़्यादा लगेगा, तो क्योंकि मैं पूरा लेसन ले रहा हूँ, 2 घंटे भी इसमें चाहिए। तो लेकिन लेसन हमारा जो क्लास है वो 40 मिनट्स का ही होता है, इसलिए मैं 40 to 50 मैंने लिखा है यहाँ पे। क्लासेस का वर्ड जो मैंने 8th मेन हमारा क्लास है, उसी लेसन उन्हीं का है, लेकिन मैं यहाँ पे बाकी क्लासेस भी ले रहा हूँ मल्टी ग्रेड। सो यहाँ पे मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे मैंने लिखा है। एट द एंड ऑफ द टॉपिक थीम, स्टूडेंट विल बी एबल टू टेल द स्टोरी इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्रेस डायलॉग्स विद प्रॉपर एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स। स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट शॉर्ट स्टोरीज एंड स्टोरीज। यहाँ पे लिसनिंग भी आ गया, रीडिंग भी आ गया, स्पीकिंग भी आ गया, और राइटिंग भी मैंने कंसेप्ट डाला है। तो यहाँ पे मेरे 3 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो पांचवा मेरा पॉइंट है 13 पॉइंट्स में से, रिसोर्सेज और TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कलेक्टेड टू ट्रांजैक्ट द थीम, मैंने यहाँ पे लिखा है पपेट्स फॉर पपेट्री। मुझे कुछ पपेट्स चाहिए क्योंकि मुझे इसमें पपेट्री भी करनी है। मुझे क्रेयॉन्स चाहिए, स्केच पेन्स चाहिए। ओके, तो मुझे इसमें चाहिए नोटबुक्स लिखने के लिए, पेपर मुझे चाहिए फॉर राइटिंग, क्योंकि मुझे बच्चों को डायलॉग्स देने, बाद में उसमें मैं राइटिंग करूँगा और उनको दे दूँगा। मोबाइल फ़ोन मुझे चाहिए क्योंकि मुझे ये स्टोरी जो है इंटरनेट से निकालनी है और बच्चों को दिखानी है, तो इसलिए मोबाइल फ़ोन भी मुझे चाहिए। अगर आपके पास प्रोजेक्टर है स्कूल में तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे TLM चाहिए, कॉस्ट्यूम्स, कॉस्ट्यूम्स मैंने बनाए हुए हैं या मुझे बनाने हैं, लो कॉस्ट एंड नो कॉस्ट में वेस्ट चीज़ों से ही कॉस्ट्यूम्स बनाऊँगा, जो मुझे रोल प्ले कराना है बच्चों को। मैं इस वीडियो में वो रोल प्ले आपके साथ शेयर भी करूँगा। ड्रामाटाइजेशन पपेट्री मैंने की है, तो वो पपेट्री भी मैं इसके साथ शेयर करूँगा। तो आप ये वीडियो एंड तक देखते जाइए और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बाकी टीचर्स तक भी ये पहुंचाइए। तो मैं कॉस्ट्यूम्स फॉर रोल प्ले, ड्रामाटाइजेशन लाइक कैप्स, ठीक है, फेस मास्क मैंने इसमें इस्तेमाल करने हैं, ट्री जो आर्टिफिशियल ट्री है, फ्रूट्स, आर्टिफिशियल फ्रूट्स या रियल फ्रूट्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और नेकलेस जो मैंने हैंडमेड ही बनाया है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। सो ये मेरे TLM चाहिए, रिसोर्सेज TLM कलेक्टेड टू ट्रांजेक्ट द थीम। सो इसमें मेरा असेसमेंट प्लान रहेगा, 6th वाला पॉइंट। यहाँ पे मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, आप इसको क्वेश्चन बेस्ड भी बना सकते हैं। देन असेसमेंट प्लान इंश्योर्स अ प्रोजेक्ट स्टेज फोकस्ड ऑन इंटेंडेड लर्निंग गोल्स हियर इन दिस थीम और क्लास। आई विल अडॉप्ट एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड विल यूज कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लाइक 5E का लेसन प्लान का मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे फॉर असेसमेंट प्लानिंग। आई विल प्लान माई असेसमेंट एज पर द लर्निंग लेवल ऑफ द चाइल्ड। सो दिस इज माई असेसमेंट प्लान, एंड यहाँ पे आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। सो यहाँ पे मैंने 7th वाला पॉइंट लिया हुआ है, प्री क्लास असेसमेंट। सो प्री क्लास असेसमेंट में, डू यू लाइक स्टोरीज, व्हाट टाइप और काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू लाइक, ये मैंने प्री असेसमेंट किया हुआ है। डू यू वॉच स्टोरीज ऑन योर टेलीविजन और फोन्स, वाई डू वी वॉच लिसन स्टोरीज, आई हैव एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर यू, यू विल लव टू वॉच इट, लिसन इट,
एक्ट इट एंड स्पीक इट. सो आर यू रेडी? सो यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, टीचर विल आस्क सिंपल क्वेश्चंस इन प्री क्लास असेसमेंट. प्री क्लास असेसमेंट हम जब भी करते हैं तो टीचर जो है वो इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बच्चों से पूछता है, क्योंकि आप क्लास से पहले लेते हैं. मैंने पहले वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किया है. तो मेरा यहाँ पे 8th वाला जो पॉइंट है वो है एक्टिविटीज़ कंडक्टेड. जो भी मैंने TLM बनाया है उसको मैं अभी एक्टिविटीज़ में कैसे डाल दूंगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को स्पीक करना है, बच्चों को लिसन करना है, बच्चों को रीड करना है, बच्चों को रोल प्ले करना है, तो ये मैं एक्टिविटीज़ में ही करूँगा. तो यहाँ पर मैंने पहली एक्टिविटी लिखी है रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक. जो मेरी टेक्स्ट बुक है ट्यूलिप सीरीज़, उसमें ये स्टोरी दी गई है द अनथैंकफुल मैन है स्टोरी का नाम. इस स्टोरी में आपको मिलेगी. तो यहाँ पे बच्चे पहले रीडिंग करते हैं स्टोरी की, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने प्रथम की भी कुछ एक्टिविटीज़ रख के रीडिंग के की है, जैसे कि मॉडल रीडिंग, जैसे कि इकर रीडिंग, दैट्स की पीयर रीडिंग, दैट्स की ग्रुप रीडिंग. ये आपको पता है कि ये रीडिंग्स क्या होते हैं, ज़्यादा उसको एलाबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है. ये रीडिंग हमारा एक एक्टिविटी है, क्योंकि बच्चे रीड भी करने चाहिए, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा हुआ है. उसके बाद मैंने दूसरा एक्टिविटी जो है वो है पपेट्री. तो पपेट्री जो है उसमें मैं स्टोरी टेलिंग बताऊंगा, वो भी इन इंग्लिश. यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इस्तेमाल डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड की मतलब मुझे इंग्लिश में ही स्टोरी बच्चों को पढ़ानी है, और स्टोरी इसका मीनिंग भी इंग्लिश में ही बताना है. तो मैं थ्रू पपेट्री शो जो है उसके लिए मैंने TLM में पपेट्री पपेट्स लिखे थे. पपेट्स मुझे चाहिए, तो मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि ये पपेट्री हम कैसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और स्टोरी टेलिंग हम वहाँ पे डायरेक्ट मेथड में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए पहले हम ये पपेट्री का वीडियो देखते हैं आपके साथ शेयर कर. आप इसको ध्यान से देखिए. स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टेल यू अ स्टोरी. The story is taken from Tulip Series 8th English textbook, and the name of the story is The Unthankful Man. Let's meet the characters. Raman, his wife, tiger, monkey, snake, man, king, and the queen. So dear students, let's start the story. The story is about a poor man whose name is Raman, who lived with his wife in a small town. They were so poor that his wife was fed up with their poverty. One day, she asked her husband to go to a nearby town and seek some job. So Raman left his home to go to the nearby town to look for a job. On his way, he passed through a forest. While walking through the forest, he heard some strange sounds coming from the well. Help! 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 He peeped into the well and found a tiger, a monkey, a snake, and a man in the well. The tiger asked the man to pull him out of the well, and in turn, he will be very thankful to him all through his life. Raman took pity on the tiger and pulled him out of the well. Then monkey called out to Raman for help. Raman pulled out the monkey too. Monkey also thanked Raman and told him that if he ever needed his help, he should come to the mango tree by the river outside this jungle. The snake requested Raman to pull him out of the well too. Raman was scared of the snake, as he thought if he pulled him out, it could bite him. But snake assured him that it would not harm him, rather it would be thankful to him. Raman took pity on it and pulled it out of the well. Lastly, the man asked Raman for help, and Raman pulled him out of the well too. The man thanked Raman and told him if he ever needed his help, he should come to him to Varanasi, where he is a goldsmith by profession. After taking some rest, Raman started his journey and reached the nearby town. For some days, he tried to get a job, but he could not find a job, so he decided to go back home. As he reached the forest, he came to the river. He remembered the monkey and decided to go to the monkey. The monkey saw him and came running to him and gave him sweet mangoes to eat. Raman satisfied his hunger and continued his journey.
On his way, he came upon a cave and called out the tiger. Tiger! 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 The tiger came out and took him inside the cave and gave him a necklace. He gave him a necklace which was given to him by a prince while saving his life. Raman was happy and went to town where Goldsmith lived to sell it. Goldsmith recognized the necklace as he had made the necklace for the prince who had gone missing some months back. Goldsmith took the necklace to the king and assured the king that Raman must have killed the prince and stolen his necklace. Raman, the poor man, was arrested and locked in a dark cell. He had been deceived by the goldsmith and understood that animals had been right when they advised him not to trust the man. He was the most ungrateful creature. He felt sad. In the jail, he remembered the snake and called out to the snake, and next moment snake slithered into the cell. The snake heard the whole event and asked Raman that he would bite the queen, who would become unconscious and nothing would be able to cure her. However, if Raman touched her forehead, she would get cured and wake up. Then the king would be pleased and set Raman free. When the snake bit queen, she felt unconscious. The king grew sad and announced that if anybody cured the queen, she would get a handsome reward. Raman offered to go and cure the queen. As he touched the queen's forehead, the queen opened her eyes. The king was pleased with Raman and asked him how he landed up in the prison. Raman narrated the whole incident. After hearing the story, king ordered his guards to arrest the goldsmith. The king gave Raman a bag of gold coins and ordered him to go home and live happily ever after. So, dear students, we should always be thankful to those who help us in different situations, and we should never be unthankful. So, dear students, hope you like this story. Hope inshallah we will meet soon with another story, with another lesson. Till then, take care and Allah Hafiz. उसके बाद मैंने जो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, तीसरा एक्टिविटी जो हमने कंडक्ट की है, वो है ड्रामाटाइजेशन और रोल प्ले इन उर्दू और हिंदी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मेथड। यहाँ पे मैंने डाला, पहले डायरेक्ट मेथड किया था पपेट्री में, अब जब यहाँ पे मैं ड्रामाटाइजेशन कर रहा हूँ बच्चों को, मैं लिख के, जैसे इसीलिए मैंने नोटबुक भी लिखा था, नोटबुक पे मैं उनको स्लिप्स पे अपने अपने रोल्स दूंगा, अपने अपने डायलॉग्स दूंगा, अपने अपने सेंटेंसेज दूंगा, वो सेंटेंसेज को पहले पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे, तो फिर मैं उनको ड्रामाटाइजेशन कराऊंगा। तो मैंने भी यहाँ पे ड्रामाटाइजेशन किया है बच्चों के साथ मिलके, तो क्योंकि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मैंने वहाँ पे 5E का भी इस्तेमाल किया था, 5E लेसन प्लान का, तो वहाँ पे मैंने ड्रामाटाइजेशन जो है बच्चों को कैसे एंगेज करते हैं, बच्चों को बच्चे कैसे एक्सप्लोर करेंगे, सो यहाँ पे भी मैंने वो चीज़ जो है उसका वीडियो लिया हुआ है आपके साथ, यहाँ पे अभी शेयर करेंगे, आपको कंसेप्ट आ जाएगा कि ये ड्रामाटाइजेशन हम ये एक्टिविटी थ्रू कैसे बच्चों के साथ करते हैं। चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं। अरे खुदा, सुबह से शाम भी हो गई लेकिन मुझे नौकरी कहीं नहीं मिली, अब मैं क्या करूंगा, मैं कितना बदकिस्मत हूं, ऐ खुदा मेरी मदद करो, मैं घर भी नहीं जा सकता, बीवी भी डांटेगी, बीवी भी शुरू हो जाएगी, अब मैं क्या करूंगा, अब घर ही चला जाता हूं क्योंकि शाम भी हो गई, ठीक है चला जाता हूं। अजी सुनती हो बेगम, सुनती हो? ओहो, आ गए, नौकरी मिली क्या? अरे नहीं मिली, सुबह से शाम तक इधर से उधर भटक रहा हूँ लेकिन नौकरी कहीं नहीं मिली। मैं तुम्हारी गरीबी से तंग आ चुकी हूँ, जी तो भटक मर ही जाओ घर खा के। अरे मारे आपकी दुश्मन, मुझे माफ कर दो, मैं कल देख लूंगा, ढूंढ लूंगा मैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते, बाहर के शहर जाकर वहाँ से कुछ नौकरी ढूंढ ले, अरे वाह, हो अरे ये तो अच्छा आइडिया है। हाँ मैं तो आज ही चला जाता हूँ फिर पास वाले शहर में, नौकरी ढूंढ लूंगा, अल्लाह हमारी मदद करेगा।
मैं शाम तक आ जाऊंगा, आप अपना ख्याल रखें, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं तो बहुत थक गया, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, कुछ ढूंढ लेता हूँ, चाहे कुछ मिले इस जंगल में, कितना गहरा जंगल है। अरे वाह, कितने ताजे रसीले आम, कितने ताजे रसीले फल, अरे वाह आम, उतार लेता हूँ। आवाजें कहाँ से आ रही है? लगता है कहीं मुसीबत में है, मुझे 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 मदद के लिए जाना पड़ेगा। अरे ये तो बहुत बड़ा कुआं लग रहा है, अरे ये कुएं में कौन फंसे लोग हैं? अरे सांप है, स्नेक है, मंकी है, मैन है और टाइगर है, अब लोग कैसे इस मुसीबत में फंस गए? नेक इंसान, हमें इस कुएं से बाहर निकालो। अरे हाँ मैं निकालूंगा, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत हेल्पफुल हूँ, मैं आपको जरूर मदद करूंगा। तो अल्लाह के बंदे मेरी मदद करो, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। ये तो टाइगर है, ये तो बहुत वाइल्ड एनिमल होता है, ये तो मुझे खा जाएगा। चलो अब मैं शरीफ हूँ, हेल्पफुल हूँ, इसको निकाल ही लेता हूँ, ठीक है? पकड़ो, निकाल लिया। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने मुझे कुएं से बाहर निकाला। अगर आपको किसी की चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं पास में ही रहता हूँ। अगर किसी चीज मुझे बहुत हेल्प की जरूरत है, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त, मगर इसको बाहर मत निकाला, इस आदमी को बाहर नहीं निकाला, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस आदमी को बाहर नहीं निकाला, ये बहुत बुरा इंसान है। मैं नहीं निकालूंगा, मैं नहीं निकालूंगा। अच्छा मैं चाहूंगा, चलो अल्लाह हाफिज। एक बंदे है, मुझे बाहर निकालो इस कुएं से। अरे ये तो बंदर है, बिल्कुल अच्छा है, तो इसको मैं जरूर हेल्प करूंगा। आपकी मैंने मदद की। तुमने हमारी मदद की, मगर इस इंसान को नहीं निकालना है, खतरनाक इंसान है, और मैं पास वाले ही आम के दरख्त पर रहता हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो वहाँ आ जाना। बिल्कुल मैं आ जाऊँगा, मुझे तो हेल्प की बहुत जरूरत है, मैं बिल्कुल आ जाऊँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। एक बंदे मुझे कुएं से निकालो बाहर। अरे ये तो सांप लग रहा है, मैं तो सांप से बहुत डरता हूँ, ये तो डस भी लेता है, मगर क्या करूँ, मैं तो बहुत हेल्पफुल हूँ ना, मैं इसको भी निकाल लेता हूँ, चलो फिर मैं मर ही जाऊँ तो फिर क्या है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की, लेकिन इस आदमी को बाहर नहीं निकालना, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। अरे ये सभी क्यों बोलते हैं इस आदमी को बाहर नहीं निकालना, ये तो हमारे ही जात का है ना, तो ये तो हमारा दोस्त है। चलो मैं चलता हूँ। ठीक है मैं आ जाऊंगा, आपका आपका बहुत शुक्रिया। ए नेक इंसान, सबको निकाल दिया, मुझे भी निकाल दो, मेरे बीवी बच्चे मुझे घर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे ये तो इंसान है, जब उन जंगली जानवर ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा तो ये क्या बिगाड़ेगा, इसकी भी मदद कर लेता हूँ। ए नेक इंसान, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, तुम बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हो। मेरा फर्ज था, मैं बनारस में रहता हूँ, वहाँ पे एक मेरी सुनार की दुकान है, वहाँ पे मैं सोना वोना बेचता हूँ, अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो वहाँ पे आ जाना, मैं तुम्हें मालूमात कर दूँगा। अरे मैम मुझे तो बहुत हेल्प की जरूरत है, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मैंने कितने सारे लोगों की मदद की, अल्लाह मुझसे बहुत खुश होगा। चलो मैं अब शहर ढूंढ जाऊंगा और वहाँ पे मैं नौकरी ढूंढूंगा। आए मेरी फूटी किस्मत, सुबह से शाम भी हो गई, लेकिन इस शहर में भी, इस बड़े शहर में भी मुझे नौकरी नहीं मिली। अरे शाम भी हो गई, अब तो मैं घर ही जाऊंगा। ठीक है, बंदर का पेड़ लग रहा है ना, जिसकी मैंने मदद की थी। हाँ अरे बंदर मियाँ, हाँ, बंदर मियाँ, बोलो, बोलो। बंदर मियाँ मुझे
लगी है, मैं वही हूँ ना जिसने आपकी मदद की थी। अरे हाँ, तुम तो हमारे दोस्त हो, आ जाओ आपको ताजे ताजे आम मिलते हैं। ठीक है बंदर मियां, मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ये लो। वाह, अरे वाह, बहुत ही ताजे रसीले आम। बंदर मियां, आपने मेरी मदद की, आपने मेरी हेल्प की, आपका बहुत शुक्रिया बंदर मियां। कोई बात नहीं है, तो मेरा फर्ज था, आपने भी एक दिन मेरी मदद की थी। बंदर मियां आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अरे ये तो वही केव है ना जिसमें वो टाइगर रहता है, जिसने मुझे बोला था कि केव में आना, मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, देखता हूं कि टाइगर मेरी क्या मदद कर सकता है। टाइगर टाइगर टाइगर, कुछ कुछ कोई बात हुई कोई? टाइगर मेरे दोस्त, मैं बहुत मुसीबत में हूं, मैं सुबह से ढूंढ रहा हूं लेकिन नौकरी कहीं नहीं मिल रही है, मुझे मदद की जरूरत है। अरे आइए मेरे दोस्त आइए, केव तो बहुत छोटी है, मेरे पास ये हार है, ये मेरी कोई मुझे ये जरूरत नहीं, ये आपको जरूरत लगेगा, ये मुझे शहजादे ने गिफ्ट दिया था, ये लीजिए। अरे वाह, इससे आपको मदद मिल सकेगी, ये तो बड़ा अच्छा हार लग रहा है, बहुत कीमती हार लग रहा होगा। टाइगर मेरे दोस्त, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की, कि आपने मुझे इस नाचीज को ये कीमती तोहफा दिया। मैं बीवी के पास जाऊंगा, वो तो बहुत खुश होगी इस हार को देख के। चलो ठीक है, आपको बहुत शुक्रिया, मैं चले जाता हूँ। अरे घर जाने से पहले क्यों ना मैं इसको बेच दूं, लेकिन कहां बेच दूं, कहां बेचूं मैं इसको? अरे हाँ, वो जो आदमी जिसकी मैंने मदद की थी, वो मैन जिसने मुझे बोला था कि वो बनारस में रहता है, वाराणसी में रहता है, तो वहां पे जाऊंगा और उसी को ये बेचूंगा, वही मुझे इसकी अच्छी खासी रकम दे सकता है। ठीक है, मैं चले जाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम मेरा दोस्त, मेरे दोस्त ये कौन है? अरे ये तो मेरा सेलर है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे दोस्त सेठ, ये मेरे पास ये हार है, आप इसको देख ही लीजिए। ये कहाँ से लाया तुमने? ये मुझे एक बंदे ने दिया, एक टाइगर जो हमने इसको मदद की थी ना, हाँ, मुझे उसी ने आप प्लीज मेहरबानी करके अब मेरी मदद कीजिए, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अरे ये तो वही हार है जो मैंने प्रिंस को जन्मदिन पे दिया था। अरे ये इसके हार कैसे लग गया, अभी इसे मदद चाहता हूँ। बस तुम इधर ही रुको, मैं अभी आता हूँ। हाँ सेठ, मैं तो बिल्कुल इधर ही हूँ, मैं तब तक आपके से बात करता हूँ। बाइसे सलामत की जय हो, बाइसे सलामत की जय हो, बाइसे सलामत की जय हो, बाइसे सलामत को एक आदमी मेरी दुकान पे आके ये हार जो मैंने बनाया था उससे बेचने की बात कर रहा है। मुझे लगता है उसी आदमी ने फ्रेंड्स को मारा है। क्या सिपाही, जाओ और उसे लेकर आओ। जी बाइसे सलामत। ये रहा वो आदमी, इसको बाइसे सलामत के पास ले जाओ। मदद की और उसने मुझे ये सिला दिया, वो अनथैंकफुल निकला, वो अनथैंकफुल निकला। अरे
मेरा एक ही सहारा बचा है खुदा, वो जो मैंने स्नेक की मदद की थी ना, उसने मुझे कहा था कि जब मुसीबत में होंगे, जब कोई मदद की जरूरत होगी तो मुझे बोल देना, मैं उसको ही बुला देता हूँ। अरे वो तो आ गया, आ रहे स्नेक मेरे दोस्त। ए, मेरे दोस्त मुझे क्यों बुला, परेशान लग रहे हैं। अरे मेरे स्नेक दोस्त, वो जो आदमी है ना जिसको आपने बोला था इसकी मदद नहीं करना, मैंने उसकी मदद की थी तो मुझे टाइगर ने हार दिया, मैं वो इस आदमी के पास लेके गया तो उसने मुझे फंसा दिया यहाँ पे, उसने बादशाह के हाथों मुझे यहाँ इस तहखाने में बंद किया। मेरी मदद करो मेरे दोस्त। मेरे पास एक तरकीब है, मैं जाके रानी साहिबा को डस लूंगा और वो बेहोश हो जाएगी, फिर उनको कोई ठीक नहीं कर पाएगा। आप जाके उसके माथे को छू लेना और वो ठीक हो जाएगी, फिर आपको बादशाह सलामत रिहा करके आपको इनाम देगा। सच बात? अरे ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, अगर आप कर पाओगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। स्नेक दोस्त, ठीक है जाओ आप। चले जाओ और बादशाह को बोलो कि मैं रानी साहिबा को ठीक कर सकता हूँ। बादशाह सलामत की जय हो, बादशाह सलामत की जय हो, बादशाह सलामत जय। मैं एक आदमी हो गया है, मैं रानी साहिबा को ठीक करूंगा। जो? वो बोल रहा है कि मैं रानी साहिबा को ठीक करूंगा। जो फिर उसे लेकर बादशाह सलामत की जय हो, बादशाह सलामत की जय हो, बादशाह सलामत की जय। जिसको हमने तहखाने में डाल बंद किया था। हाँ बादशाह सलामत, मैं वही हूँ। क्या आप इसे ठीक कर सकते हो? हाँ बादशाह सलामत, मैं इनको रानी साहिबा को ठीक कर सकता हूँ। देखिए बादशाह सलामत, आपकी रानी साहिबा ठीक हो गई। सरकार, ये आदमी ने मुझे यहाँ पे फंसाया। सरकार सरकार, ये आदमी जो है ये थैंकफुल है, अनथैंकफुल मैन है। सरकार मैंने इसको कुएं से निकाला और उसने मेरी भलाई का ये सबूत दिया कि मुझे फंसाया। सरकार इसने मुझ पे इल्जाम लगाया चोरी का। सरकार ये हाथ जो है वो मुझे टाइगर ने दिया था, लेकिन इसने मुझे चोरी का इल्जाम, और मैं बेगुनाह हूँ। सरकार मुझे बख्श दे। सिपाहियों, इसे फांसी की सजा दो। नहीं सरकार, मुझे माफ कर दो। सरकार सरकार मुझे माफ कर दो, सरकार मुझे माफ कर दो। और इस नेक बंदे को माला माल कर दो। तो ये वीडियो देखने के बाद हमारा जो 9th पॉइंट आता है वो है क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ द टॉपिक। जो टॉपिक आप ट्रांजैक्ट करेंगे इसमें बच्चे और टीचर जो है क्वेश्चन आंसर्स पूछते क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं? तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं मेंशन के क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट। जो बच्चे पूछेंगे सर विच इज़ योर फेवरेट स्टोरी, सर वट इज़ अनथैंकफुल, ये आपने मैंशन किया है, ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है? आर एनिमल्स रियली हेल्पफुल एंड लॉयल? What is a plural form of monkey? How do we help poor and needy people? तो ये questions student पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 लिए हुए हैं, तो बहुत सारी questions student पूछते हैं, ठीक है ना? तो different questions आप mention करेंगे यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लिखा है questions asked by the teacher like do you like story students? What should be the moral of the story? इसका moral क्या होना चाहिए? Was Raman a helpful man? Do you like animals? Do you ever have helped any animal? Are you a helpful person? तो ये questions मैंने यहाँ पे mention किए हैं। 13 steps में आप जब आप project field work करेंगे तो ये questions आप ऐसे ही लिख सकते हो। उसके बाद मैंने लिया है post class assessment। class ख़त्म होने के बाद जैसे who was Raman,
जैसे अगर आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे, जब आप रीडिंग ख़त्म करते हो, स्टोरी ख़त्म करते हो, तो उसके बाद आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे लिखे होते हैं, हु वॉज रमन, हु वॉज ट्रैप्ड इन टू द वेल, वट डिड मोंकी गिव रमन, हु हेल्प्ड रमन टू कम आउट फ्रॉम द प्रिजन, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने और भी लिखे हैं, जैसे ट्रू और फॉल्स, रमन वॉज क्रूअल एंड अनकाइंड, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, टाइगर गेव हिम ए नेकलेस, ये ट्रू है कि फॉल्स है, द मैन वॉज थैंकफुल, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, स्नेक हेल्प्ड रमन, इज इट ट्रू और फॉल्स। सो यहाँ पे एक्सरसाइजेस आप ये लिख सकते हो, आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे लर्निंग आउटकम मेरा रहेगा, लर्निंग आउटकम तो बहुत ज़रूरी है, 13 पॉइंट्स में भी आता है, तो ये हमारा डे टू डे रूटीन का भी काम है। द लर्नर नरेट स्टोरी इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज, ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन डिफरेंट इवेंट्स सच एज रोल प्ले, ड्रामाटाइजेशन, स्किट एंड पपेट्री। तो यहाँ पे ये जो टीचर है, यहाँ पे लर्निंग आउटकम ही निकलेगा, क्योंकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी इसमें इससे रिलेट होते हैं, तो लर्निंग आउटकम सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा लर्निंग आउटकम है। उसके बाद जो है असाइनमेंट, 12th पार्ट, असाइनमेंट्स गिवन टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द क्लास, लाइक राइट 5 सेंटेंसेज ऑन रमन, राइट 5 सेंटेंसेज अबाउट योर सेल्फ, माई सेल्फ भी आ गया, राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ टाइगर, वाइफ, मैन, ओके, मंकी, स्नेक, ये वो असाइनमेंट है जो आप स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग द क्लास दोगे। सो हाउ डू यू हेल्प यूअर फैमिली, सर्कल द नाउन्स एंड अंडरलाइन द वर्ब्स, यहाँ पे कुछ लिखा है, रमन वॉज वॉकिंग एंड ही वॉज मंकी, ही saw a monkey on the tree, द monkey वॉज ईटिंग bananas, इसमें बेटा जो भी नाउन्स होंगे उनको आप सर्कल करो और जो भी वर्ब्स होंगे उनको अंडरलाइन करो। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे टर्न करता हूँ तो मेरा आता है 13 पॉइंट फीडबैक फ्रॉम द पेरेंट्स। फीडबैक फ्रॉम द पेरेंट्स ये भी लेना बहुत ज़रूरी है, आपकी प्रोजेक्ट 13 स्टेप आप जब बना रहे हो, फील्ड वर्क कर रहे हो, तो आप यहाँ पे उसका फीडबैक लोगे कि बच्चे की कंडीशन क्या है, तो वो आपको सिग्नेचर करके उससे मांगना है, यहाँ पे सिग्नेचर एंड सील ऑफ द हेडमास्टर। तो ये यहाँ पे आपका कंप्लीट होगा 13 स्टेप का प्रोजेक्ट वर्क, और यहाँ पे ये मैंने अपना नाम लिया है बिल्कुल, ये अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये मेरा पूरा कंप्लीट है प्रोजेक्ट प्लान, मैं पैक भी कर सकता हूँ, ये मेरा एक पूरा मॉड्यूल रहेगा हमारे स्कूल में, हमारी स्कूल लाइब्रेरी में, हमारी क्लास लाइब्रेरी में, तो ये हमारा फिर टाइम टू टाइम हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इसको अगर आपको ये पसंद आया होगा तो आप ये दूसरे टीचर्स के साथ भी शेयर करें, बच्चों तक ये चीज़ पहुँचाएँ, क्योंकि इसको करने से बहुत बच्चों को बहुत इम्प्रूवमेंट आती है, ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं, लर्निंग आउटकम्स, ओके। सो होप आपको ये पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह हम और मिलते जा रहेंगे, रोज़ रोज़ मैं आपके लिए ये चीज़ मॉड्यूल्स बनाते जा रहा हूँ। सो इंशाल्लाह और मिलेंगे कुछ और मॉड्यूल्स के साथ, आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।